Gotcha! Win that galleon! कमांडोज के फलक शिगाफ नारे आपको सुनाई दे रहे हैं, ये सारे ट्रेनिंग पे जा रहे हैं और जब से मैं आया हूँ ये ऐसे ही बोझ उठा के चल रहे हैं, कभी ये ऊपर चले जाते हैं कभी ये वापस नीचे आ जाते हैं। इनके पीछे जो बैग्स हैं अभी फिलहाल इनमें वो सामान नहीं है जो लेके ये ट्रेवल करते हैं पहाड़ों पर, लेकिन उससे ज्यादा वजन मौजूद है, यानी इनमें पत्थर डाल दिए जाते हैं, वजनी सामान डाल दिया जाता है। बाद मैंने यहाँ पे देखा है कि जो कमांडोज हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके हाथों में और उनके कंधों पर पत्थर रखे हुए होते हैं और वो पत्थर लेके नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे भी आपको हम दिखाएंगे। ये इस वक्त नाज़रीन मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये एक बड़ी लंबी चट्टान है, जैसे पूरी एक चोटी बनी हुई है ऊपर पहाड़ की, और इसको तैयार किया है यहाँ एसएसजी वालों ने रिपेलिंग के लिए। रिपेलिंग अब मैं आसान जुबान में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ऊपर आपको सोल्जर नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे कमांडोज आपको बिल्कुल दूर से नज़र आ रहे होंगे ऊपर मौजूद हैं, और ये रस्सियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं। ये इन रस्सियों से बड़ी स्पीड में नीचे आएंगे और रास्ते में ये जो खिड़कियां आपको नजर आ रही हैं इनमें वो अटैक करेंगे, और इसके अंदर अगर दुश्मन मौजूद है तो उसके ऊपर अटैक करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज होती है कमांडोज की, जो हमने नॉर्थ एरियाज में जो ऑपरेशन हुए हैं पाकिस्तान में, नॉर्दर्न एरियाज में जैसे वजीरिस्तान में स्वात में, यहाँ ये टेक्निक जो है इसको बहुत इस्तेमाल किया गया, ये बहुत काम आती है। ये बड़ी खामोशी से इस वक्त कमांडो नीचे आ रहे हैं नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं अब ये बिल्कुल खामोशी से नीचे आएंगे अपने टारगेट के पास। इस तरीके में ना ये स्पीड में आते हैं ना ये फायरिंग करते हुए आते हैं, ये है कमांडो एक्शन, किसी को पता भी नहीं चलेगा और ये अपने टारगेट पे पहुंच भी जाएंगे। मुश्किल चट्टाने हैं बिल्कुल स्ट्रेट और एक रस्सी है सिर्फ जिसके सहारे इन्होंने नीचे आना है। बस ऐसे ही ऑपरेशन किए हैं नाज़रीन इन्होंने, ये लाइव ऑपरेशन तो आपने नहीं देखा लेकिन इसी तरह से वज़ीरिस्तान में, इसी तरह से जहाँ जहाँ फोर्सेस जाती हैं ऑपरेशन करने के लिए। रिपेलिंग की जो एक्सरसाइज है जब वो ख़त्म हो जाती है, यानी जब ये प्रैक्टिस कर लेते हैं मुख्तलिफ अंदाज में, तो उसके बाद सबसे आखिरी जो मरहला है वो ये होता है कि ये फ्लैग लेके नीचे आते हैं, पाकिस्तान का और एसएसजी का फ्लैग। जमीन पे इतनी तेज नहीं भागता जितना ये चट्टानों पे भागता। ये जैसे ऊपर से नीचे आते हैं ये ऐसे ही नीचे से ऊपर भी चढ़ जाते हैं, यानी हमारे देखते देखते ये कमांडो किस तरह ऊपर चला गया पता ही नहीं चला।
हथियार कैसे छीनना है ये उसकी प्रैक्टिस है। ये अब फुर्ती और महारत का मुजाहरा करेंगे। अनआर्म्ड एक कमांडो जो है वो किस तरह अपने हरीफ को काबू करता है वो आपने सारा मुजाहरा देखा, ताकत का मुजाहरा आपने अलग देखा। तो ये कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पे रजा मोहम्मद साहब, आप कहाँ से हैं? सिंध से। अच्छा माशाल्लाह सिंध से हैं आप। अच्छा मैं एक चीज देख रहा था कि हर कमांडो की अपनी अपनी अलग स्पेशलिटी है जितना मुझे समझ आया, यानी आप एक घूम के कलाबाजी के साथ एक किक मारते हैं, वो जो आप घूम के किक मारते हैं कलाबाजी के साथ वो मुझे ऐसा लगा की एक खुसूसियत है जो बाकी सारे नहीं कर सकते। नहीं सर यहाँ पर ये सारे करते हैं, सारे करते हैं, लेकिन हर एक का अपनी अपनी महारत अलग चीज में ज्यादा या कम होती है। यहाँ पर बात दरअसल ये है कि हर बंदा हर चीज जानता है और दुनिया का बेहतरीन ये मार्शल आर्ट टीम है कि यहाँ पर स्पेशल फोर्स के लोग आते हैं हमारे पास, हम उनको जो ना वो हमें देखते हैं और परेशान हो जाते हैं कि इतना जो हमारे पास है कम अरसे में, दुनिया में कम अरसे में हम यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि मास्टर बनता है यहाँ पर। ये कितनी देर में आप लोगों ने ट्रेनिंग की? हमने 12 हफ्ते का, 12 हफ्ते यानी 3 माह तकरीबन, 3 माह के। तो 3 माह में ये इतनी स्किल्स आपने लिखी? हम दिन रात यही करते, दिन रात ट्रेनिंग कर रहे होते हैं हम इस चीज में। जो बाहर की फोर्सेज हैं अगर वो आके ये आपका कमबैक देखें या इस तरह की, तो वो आपसे क्या बात करते हैं इसको? वो हमें ये कहते हैं कि आप तो बहुत मास्टर, अभी हमारे पास चाइना वाले भी माशाल्लाह से आते हैं, दूसरे ममालिक भी आते हैं, तुर्की वाले आते हैं, अमेरिका वाले आते हैं। आपके सामने अगर दुश्मन खड़ा है तो उसको कितना टाइम आपको मैक्सिमम लगता है उसको गिराने में? हम अगर नजदीक हम 2-3 सेकंड में बंदे को गिरा दें, एक ही सेकंड में पल जगह, यानी कि एक ही सेकंड हिसाब से उसको डेल कर, एक ही सेकंड यानी माइक्रो सेकंड के हिसाब से, माइक्रो सेकंड के हिसाब से बहुत स्पीड है जी हमारी ट्रेनिंग इस तरह। और जबरदस्त मुजाहरा आपने भी देखा, वो कहते हैं कि पलक झपकने में यानी माइक्रो सेकंड में सामने वाले आदमी को हम समझ नहीं आने देते और ढेर भी कर देते हैं। और दुनिया के मुख्तलिफ जो प्लेयर्स यहाँ पे आते हैं या जो ऑब्जर्वर आते हैं जो मुख्तलिफ फोर्सेज को ट्रेनिंग देते हैं, वो जब यहाँ आते हैं आके चाइना के, अमेरिका के, यूरोप के और बाकी मुल्कों के, तुर्की के, ईरान के, वो इनसे मुतासर हैं, इनको कह के जाते हैं कि जी आपकी स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और आपकी स्पीड और आपका अंदाज और आपकी जो साइंस है लड़ने की वो बहुत बेहतर है। ये अब तक यहाँ से इतना ही, अभी मैंने आपको और बहुत सारी चीजें, दूसरे साथी को धक्का नहीं देना है। शानदार है, जबरदस्त। ये तकरीबन 6 फुट से भी ऊंची रुकावट थी जिसको उन्होंने मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स वो कर पाता। जिस बंदे के आर्म मसल्स थोड़े से भी वीक होते हैं तो एसएसजी वाले स्टैंडर्ड्स पे कंप्रोमाइज नहीं करते। जो चल रहे हैं देखो, ये बिल्कुल एक पतली सी दीवार के ऊपर चलते हुए आगे आ रहे हैं। 9 रुकावटें कमांडोज ने अबूर की हैं और अब ये 10वीं रुकावट है।
ये तेजी से रस्ते पे चलते हुए क्रॉस कर रहे हैं इसको। ये कमांडो को किसी भी तरह की सूरतेहाल का सामना करना पड़ सकता है अपने जॉब के दौरान, अपने काम के दौरान, तो वो हर तरह से ट्रेंड होना चाहिए कि बारीक पाइप में से कैसे गुजरना है, तार पे कैसे चलना है, दीवार पे कैसे चलना है, ऊंची जगहों से कैसे उतरना है, रस्से की मदद से कैसे किसी चीज को क्रॉस करना है, लंबे जंप कैसे करने हैं, ये सारा इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। अच्छा, अब ये 16th नंबर जो है ये खासा मुश्किल लग रहा है। ये ऑब्स्टिकल जो है मेडिटेरियन नेट है और ऑलमोस्ट 25 फीट इसकी हाइट है और ऊपर जैसे ही एक नॉर्मल बंदा पहुंच जाता है तो वहां से इसको क्लियर हो जाता है कि अगर उसको कोई हाइट फोबिया का इशू होता है तो वो इस ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर ही नहीं सकता, नेगोशिएट कर ही नहीं सकता। ये नादरीन वो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या डिस्कवरी टीवी पे आप देखते हैं इस तरह के मनाजिर, लेकिन वो इस तरह आपने कभी नहीं देखा होगा कि जिंदा सांप को इस तरह सबके सामने ये अब ज़बह करके खा के दिखाएंगे। ये सांप को बीच में से काट दिया इन्होंने, सर अलग कर दिया, अभी भी उसका सर भी मूव कर रहा है, अभी तक मूव कर रहा है। वो देखो, वो देखो। अच्छा, इसके यहाँ सर में जहर है, सर में जहर होता है। अच्छा, और ये अभी काट सकता है, ये काट सकता है, ये आधे घंटे तक। इसका ये होना चाहिए कि जो इसको ज़बह करो तो इसके जो सर है ये दफना दो, सर फौरन दफना देते हैं। ये कितनी देर जिंदा रहता है ऐसे? तकरीबन आधे घंटे तक भी ये हो सकता है। ये यानी कोई इसके पास से गुजरे ये पांव में काट लेगा, ये किसी टाइम भी किसी को के ऊपर अटैक कर सकता है। अब उसकी खाल उतार रहे हैं सांप। बड़े माहिर अंदाज में नाज़रीन इसका ये झिझक खत्म करने के लिए यहाँ पे खिलाते हैं सांप। ये कोई खुराक खिलाने का मकसद नहीं है यहाँ पे, खाने के लिए तो बहुत कुछ होगा, लेकिन ये देखें अभी भी मूव कर रहा है, ये देखें अभी भी मूव कर रहा है सांप। तो अब नहीं काट सकता, आपको मुंह ही नहीं है इसका। सांप अभी भी मूव कर रहा है, उसकी खाल उतर रही है। थोड़ा सा हिस्सा इसका, अच्छा आगे से और पीछे से दो हिस्सों से काटते हैं इसको। जनाब ये होता है कि सर के बाद तकरीबन 2 इंच का हिस्सा और दुम पे कोई 2-1 इंच का हिस्सा जिसमें जहर होता है, उस पॉइंट को जनाब आप काट देते हैं और बीच में जो इसके एक लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है उसको आप इसे निकाल देते हैं। बाकी बिल्कुल ये सांप आपके सामने इट इज एज गुड एज नॉर्मल गोश्त, ठीक है, और इसको बर्बी भी बनाकर आप आराम से खा सकते हैं। ये नरम गोश्त होता है, क्या ज़बह करने के पहला तरीका जो हम बस अपनाते हैं उसमें ये होता है कि इसको आपने यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको झटका दिया, झटका देने के बाद इसकी गर्दन टूट जाती है और उसके बाद जो है ये वहाँ पे मर जाती है। दूसरा जो तरीका होता है उसमें ये है कि चिकन को आपने अपनी टांगों में इसके पर जाके रख दिए, ठीक है, और इसका इसके सर पे आपने यहाँ पे स्टिक जाके रख लिया, स्टिक को आपने इस तरह जाके होल्ड किया और उसके बाद आपने इसको यहाँ से जाके खींच दिया। इतने जोर से आप इसको खींच लेते हैं कि इसका सर यहाँ पर और बाकी जिस्म सर से इसका अलग हो जाते हैं।
जो तीसरा और सबसे क्रूअल तरीका है इसको डील शील करने का, उसकी प्रैक्टिस या उसका डेमो एक दफा मैं आपको दूंगा कि अगर और कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं होती तो उस केस में आप अपने दांतों से कैसे इसको जब्त करते हैं। इस तरह आपने इसका सर इसके जिस्म से अलग कर दिए, इवन इसका खून भी बाद में आप जाके पी सकते हैं। जिस तरीके से अभी मेरा एक जवान है जो इसका खून शून पिएगा, ये कहने के लिए कि कोर्स के दौरान भी जो है इसका खून हम अपने जवानों को पिलाते हैं। अच्छा, ये वो मुर्गी का खून पी रहे हैं जैसे कोई बोतल पीता है कोल्ड ड्रिंक। ये वैसा मजे का बड़ा जबरदस्त है, नमकीन है। खुश किस्मतों को मिलता है, हर बंदे को नहीं मिलता।